समस्त संयुक्त धार्मिक लंबे समय से सभी संगठित होकर के प्रयास कर रहे हैं कि जो भी संविदा कार्मिक है वो नियमित हो जाए। उसके संबंध में कॉन्ट्रैक्ट टू सर्विस रूल सरकार ला करके सभी संविदा कार्मिकों को इस रूल में अडॉप्ट कर रही है, परंतु इसमें जो नियमित नियुक्ति की जानी है वो नहीं दिख रही है दूर दूर। उसके साथ में सभी संविदा कार्मिक ये प्रयास कर रहे हैं कि अनुभव आईएएस की तर्ज पर नहीं काउंट करके जितने साल की संविदा सर्विस की है वो अनुभव काउंट किया जाए। उसके लिए लंबे समय से सीएम से वार्ता कर रहे हैं, विभिन्न जगह प्रयास करके सीएम से ये मांग कर रहे हैं सभी लोग के अनुभव पूरा काउंट किया जाए, परंतु सोशल मीडिया के जरिए कुछ पता चला है कि कुछ संगठन मुख्यमंत्री मोदी का धन्यवाद ज्ञापित करने जा रहे हैं 3 तारीख को, जबकि अभी तक ऐसा कोई संविदा कार्मिक के लिए नियमित नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हुआ है। उसके उपरांत भी वो मतलब अपने सुहित के लिए या अपने आप को सीएम के सामने कुछ प्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं जो सभी संविदा कार्मिकों के लिए ठीक नहीं है और उनके लाभ के लिए अच्छी नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि हम सब लड़ कर के एकजुट होकर के जो अनुभव है वो पूरा काउंट करवाया जाए। इसके लिए अभी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें कहीं पर भी नियमित पद स्वीकृत नहीं होते हुए भी ये लोग जो ज्ञापन मुख्यमंत्री को मतलब स्वागत के लिए जा रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जा रहे हैं, वो गलत है। 3 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें सभी संगठन के अग्रणी साथी जयपुर आए और एक बड़े आंदोलन का आगाज करें। धन्यवाद। रामस्वरूप, संविदा कार्मिक, जोधपुर।